हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इस LG वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड के सभी फीचर्स को डिटेल में बताने वाला हूं और इसका एक डेमो भी करेंगे। हालांकि इसके प्रोग्राम बटन को सेलेक्ट करने से ये सारे फंक्शन खुद ब खुद कर लेता है और आप इसे मैन्युअली भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसे आप अपने कपड़े के अनुसार यूज कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारे फीचर्स को इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां मैंने पावर ऑन कर दिया है और हम वाटर लेवल को प्रेस करेंगे तो यह डिफ़ॉल्ट में नंबर 6 को डिस्प्ले करेगा। कपड़े के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा कपड़े हैं तो वाटर लेवल को आप बढ़ा सकते हैं, अगर कम कपड़े हैं तो वाटर लेवल आप कम कर सकते हैं। इसमें वाटर लेवल नंबर 1 से नंबर 8 तक दी हुई है। चलिए अब इसके दूसरे फीचर्स प्रोसेस को देखते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम प्रोसेस बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें केवल स्पिन प्रोसेस होगा, मतलब आप अपने गीले कपड़े को लगभग 12 मिनट में ऑलमोस्ट सुखा सकते हैं। दोबारा प्रोसेस बटन प्रेस करने से रिंस और स्पिन दोनों प्रोसेस होंगे। इस प्रोसेस में कपड़े की क्वांटिटी के अनुसार टाइम डिस्प्ले होगा। रिंस मतलब एक बार साफ पानी से कपड़े धुलते हैं। रिंस कंप्लीट होने के बाद स्पिन प्रोसेस होगा, मतलब कपड़े सुखाए जाएंगे। यहाँ कपड़े की क्वांटिटी के अनुसार 17 मिनट डिस्प्ले हुए हैं। कपड़े क्वांटिटी ज़्यादा रहने से टाइम भी ज़्यादा रहेगा। फिर से प्रोसेस बटन दबाने से वॉश और रिंस प्रोसेस होंगे। इस प्रोसेस में स्पिन नहीं होंगे। यहाँ भी कपड़े क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही टाइम डिस्प्ले होगा और उसके बाद पहले कपड़े अच्छी तरह से वॉश होंगे, फिर साफ पानी से रिंस होंगे। यहाँ भी कपड़े क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टाइम आ चुका है। अगेन हम जब प्रोसेस बटन को दबाते हैं तो हमें वॉश प्रोसेस देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में केवल और केवल वॉश होंगे, रिंस और स्पिन नहीं होंगे। सेम कपड़े क्वांटिटी के अनुसार टाइम डिस्प्ले किया जाएगा। कम कपड़े होने से वॉश टाइम कम होगा, ज़्यादा कपड़े होने से वॉश टाइम ज़्यादा रहेगा। अब हम देखेंगे वॉशिंग मशीन के सबसे मेन फीचर्स, मतलब प्रोग्राम फीचर। नंबर 1 नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें आप डेली यूज के कपड़ों को धो सकते हैं। नंबर 2 जेंटल प्रोग्राम है जिसमें आप उलेन रिलेटेड कपड़ों को साड़ी को धो सकते हैं। नंबर 3 में क्विक प्रोग्राम है, इसमें कम अमाउंट के कपड़ों को आप जल्दी धो सकते हैं। कपड़े क्वांटिटी अगर 2 kg से कम है तो आप इसे ही यूज कीजिए। नंबर 4 स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप जींस रिलेटेड कपड़ों को बड़ी आसानी से धो सकते हैं। भारी भरकम वाले गंदे कपड़े इसी प्रोग्राम में धोने चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पे प्री वॉश प्लस नॉर्मल प्रोग्राम आता है। इस प्रोग्राम में एक छोटे इंटरवल का प्री वॉश होता है, उसके बाद नॉर्मल वॉश होता है। बच्चों के ज़्यादा गंदे कपड़े स्पोर्ट्स वियर इसी प्रोग्राम में धोने चाहिए। नंबर 6 पे एक्वा रिजर्व प्रोग्राम है, इसमें पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपके वाटर ड्रेन नहीं होंगे, मतलब आप उस वाटर को दोबारा यूज कर सकते हैं। नंबर 7 पे रिंस प्लस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एक एक्स्ट्रा रिंस होंगे, मतलब एक बार एक्स्ट्रा पानी फिर से आएगा और रिंस होगा। नंबर 8 टब क्लीन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से आप अपने पूरे टब को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। टब क्लीनिंग की वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे सारे प्रोग्राम को होने में कितने टाइम लगते हैं। सबसे पहले मैंने नंबर 1 यानी नॉर्मल प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। कपड़े क्वांटिटी के अनुसार मशीन ने 54 मिनट डिस्प्ले किया है।
अब हम सेलेक्ट करेंगे नंबर टू प्रोग्राम यानी जेंटल प्रोग्राम। इसे प्रेस करने से टाइमिंग 37 मिनट डिस्प्ले हो रहा है। फिर सेलेक्ट करते हैं हम थर्ड प्रोग्राम यानी क्विक वॉश प्रोग्राम। इसमें टाइमिंग हमें 23 मिनट डिस्प्ले हो रहा है, मतलब वॉश, रिंस और स्पिन तीनों क्विकली हो जाएंगे। नंबर फोर स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगते हैं। यहाँ डिस्प्ले पे 64 मिनट शो हो रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर फाइव यानी प्री वॉश प्लस नॉर्मल प्रोग्राम है। इसे प्रेस करने पे हमें 53 मिनट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें एक छोटे इंटरवल का प्री वॉश होगा, फिर नॉर्मल वॉश होगा। फिर नंबर सिक्स हम सेलेक्ट करते हैं जो कि एक्वा रिजर्व प्रोग्राम है। इसमें हमें 33 मिनट का टाइमिंग डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रोग्राम में वॉश और रिंस होते हैं, स्पिन नहीं होते हैं, इसलिए पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद वाटर ड्रेन नहीं होती है, जिसे हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे नंबर सेवन यानी कि रिंस प्लस प्रोग्राम। इसमें हमें टाइमिंग 53 मिनट शो हो रहा है। फिर हम अपने लास्ट प्रोग्राम नंबर एट को प्रेस करते हैं। तो यह प्रोग्राम टब क्लीन प्रोग्राम है और डिस्प्ले पे 99 मिनट शो हो रहा है। हालांकि टब क्लीनिंग में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। अब हम कपड़े डाल के इस वॉशिंग मशीन का एक डेमो करते हैं। यहाँ मैंने कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं और डिटर्जेंट बॉक्स में वॉशिंग पाउडर भी डाल दिए हैं। कपड़े क्वांटिटी मैंने कम रखे हैं, मतलब आधी टब से भी कम है। पावर बटन ऑन करने के बाद प्रोग्राम नंबर वन यानी कि नॉर्मल प्रोग्राम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद हम स्टार्ट बटन दबा देंगे। स्टार्ट बटन दबाने के बाद वॉशिंग मशीन कपड़ों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक टाइमिंग डिस्प्ले करेगा। यहां 44 मिनट डिस्प्ले हुआ है, हालांकि लगभग दोगुना टाइम, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेंगे इसे पूरी तरह वॉश होने में। अब हम कपड़े की क्वांटिटी को बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। हम अभी इसे ऑफ कर देते हैं और कुछ और कपड़े इसमें डाल के देखते हैं। यहाँ मैंने कपड़े की क्वांटिटी बढ़ा दिया है। वॉशिंग मशीन की जितनी क्षमता है लगभग उतना ही मैंने कपड़े डाल दिए हैं और उसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर भी थोड़े बढ़ा दिए। अब हम देखते हैं डिस्प्ले पे कितना टाइमिंग शो होता है। मैंने प्रोग्राम नंबर वन सेलेक्ट किया। अब मशीन एक टाइमिंग डिस्प्ले करेगा। यहाँ 54 मिनट डिस्प्ले हो रहे हैं। हालांकि ये 54 मिनट में ये पूरी साइकिल नहीं होगी, हमें लगभग 2 घंटे लगेंगे पूरी साइकिल कंप्लीट होने में, वॉश, रिंस और स्पिन तीनों को कंप्लीट होने में। मशीन अपना काम शुरू कर चुका है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप एक दो छोटे मोटे कपड़े अगर भूल गए हैं तो आप पॉज बटन दबाकर वो छोटे कपड़े आप दोबारा से मशीन के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटा पैंट भूल गया था, मैंने पॉज बटन दबाया, उसके अंदर मशीन के अंदर फिर से डाला और अगेन स्टार्ट बटन पे प्रेस कर दिया। मशीन में पानी आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे तीनों प्रोसेस होंगे, वॉश,
रिंस और स्पिन तीनों कंप्लीट होने के बाद हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। मशीन अपना अभी वॉश प्रोसेस कर रहा है। अभी हमारा वॉश प्रोग्राम लगभग खत्म होने वाला है। अब रिंस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे टाइमिंग भी कम होते जाएंगे। अभी रिंस प्रोसेस चल ही रहा है। रिंस प्रोसेस में मशीन में दोबारा फ्रेश वाटर भरते हैं और रिंस होते हैं। हमारा रिंस प्रोसेस भी अब कंप्लीट होने वाला है। रिंस कंप्लीट होने के बाद स्पिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कपड़े अब सुखाए जाएंगे। इस प्रोसेस में ड्रम काफी स्पीडली रोटेट होते हैं। स्पिन प्रोसेस भी खत्म होने वाले हैं और डिस्प्ले पे टाइमिंग 0 शो हो रहा है और थोड़ी देर के बाद ये डिस्प्ले भी ऑफ हो जाते हैं। कपड़े हमारे पूरी तरह से धुल चुके हैं और काफ़ी सूखे भी लग रहे हैं। तो यह था हमारा इस वॉशिंग मशीन का एक कंप्लीट डेमो और रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।